नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर शहर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अभी तक तो मकान और दुकान में ही चोरी हो रही थी, मगर चोरों ने एक स्कूल की शिक्षिका को निशाना बनाते हुए शिक्षिका की गाड़ी में रखे 1 लाख से अधिक रुपए को, एक्टिवा गाड़ी की डिग्गी में रखे 1 लाख से अधिक की राशि चोरी कर फरार हो गए। घटना की जानकारी लगते ही एरोड्रम पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर चोर की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल पूरा मामला एरोड्रम थाना क्षेत्र की छोटा बागड़ादा का है, जहां एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली शिक्षिका अंशु गोदा अपने स्कूल के कर्मचारियों को सैलरी बांटने के लिए HDFC बैंक से 1 लाख से अधिक राशि को निकालकर करानी नगर चौराहे पहुंची थी, जहां शिक्षिका अंशु अन्य किसी काम से यूको बैंक के अंदर अपनी एक्टिवा खड़ी करके चली गई थी, लेकिन जब वो वापस लौटी तो गाड़ी की डिक्की खुली हुई थी और उसमें रखी 1 लाख से अधिक की राशि गायब थी। वहीं एरोड्रम पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश शुरू कर जांच में जुट गई है। कल कितने बजे की बात होगी मैडम? ये कैसे क्या हुआ था, कब पता लगा आपको? मैं एक्चुअली HDFC बैंक गई थी, वहाँ से मैंने 1,08,000 रुपए निकाले थे जी। तो मेरे को यूको में बैलेंस पूछना था स्कूल का, तो मैं यूको में बैलेंस पूछने को जितनी देर में इतनी देर में मेरी डिक्की में से पैसे गायबे रखे, तो चेक भी रखे हुए थे, साइन करे हुए, वो कुछ भी नहीं गया, मेरा पर्स था कुछ भी नहीं गया। पैसे कौन से ब्रांच से निकाले थे आपने? HDFC कहाँ थी? रेसिडेंसी। अच्छा, कोई लगा था कोई पीछा कर रहा था, कोई शक वक हुआ आपको? कुछ नहीं पता, बट वो मुझे ऐसा लग रहा है जब रखे ना तब कौन हो 5 सेकंड्स में उसने सब कुछ कर लिया, क्योंकि मैं बैंक में मेरे को सिर्फ 5 मिनट का काम था, बैलेंस पूछ कराना था, और उसने निकाले डिक्की में से, इवन फुटेज में भी आ रहा है वो कौन है, वो क्लियरिटी नहीं आ पा। तो ये लॉक खुला था आपने रुपए? नहीं, लॉक तो बंद था वो। बैंक से काई के लिए रुपए निकाले थे? स्कूल की सैलरी के लिए निकाले थे, टीचर्स को सैलरी करनी थी। आप कौन सा स्कूल? आपका श्री जी इंटरनेशनल स्कूल विद्यापन। ये छोटा बगड़दा पे स्कूल में उसमें काम करते हैं, और उनका द्वारा ऐसा बताया गया कि वो गए थे बैंक में और एक बैंक से रुपए निकालने के बाद जुपिटर की डिग्गी में रखे थे, और फिर दूसरे बगल में ही कोई दूसरी संस्थान में गए थे वो, और वहाँ से अपनी कार्रवाई पूरी कर रहे थे। इस दौरान किसी एक आरोपी ने उसमें से जुपिटर की डिग्गी से बैंक निकाला है। प्रारंभिक तौर पर एक फुटेज सामने आ गया है जिसमें आरोपी की मास्क वाली फ़ोटो आई है, जिसकी पहचान करने की और अन्य जो फुटेज है उनसे लिंक ढूंढने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बहुत जल्दी ही उम्मीद है कि ऐसा साक्ष्य मिलेगा जिससे हम आरोपी को गिरफ्तार कर पाएंगे। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।